दतिया में श्री राम कथा आयोजन समिति ने किए। 59 गरीब कन्याओं के हाथ पीले, जिससे समिति के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर से बैंड बाजों के साथ सभी दूल्हों की बारातों को ले जाया गया और सदी परिसर में पहुंचकर सांस्कृतिक विधि से विवाह संपन्न कराए गए। दतिया शहर में 59 शादियां देखते हुए पूरा शहर शादीमय होता हुआ नजर आया। जिहार राम कथा आयोजन समिति के द्वारा 59 गरीब कन्याओं की शादी कराई गई, जिससे समिति के द्वारा बारातों के लिए और दूल्हों के स्वागत के लिए जगह जगह दुल्हन की तरह शहर को तोरण द्वारा सजाया गया। सभी दूल्हों के घोड़े की व्यवस्था की, जिससे सभी दूल्हा बैठकर बारातों में पूरे रास्ते भर चलते हुए नजर आए और बैंड बाजों के साथ फिल्मी गीतों पर बारात के लोग नाचते चले जा रहे थे, तो वहीं पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी और समिति के द्वारा जगह जगह बारातों का भव्य स्वागत हुआ। हर वर्ष की भांति इस साल भी श्री राम कथा आयोजन समिति कर रही है। इस समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, हर वर्ष गरीब कन्याओं की संख्या में इजाफा किया जा रहा है और दतिया शहर व उसके आसपास की कई सामाजिक संस्थाएं भी उनका सहयोग कर रही हैं। गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग का विवाह का सारा खर्चा श्री राम कथा समिति ही उठाती है, तो इस साल भी आयोजन समिति ने कन्याओं को उपहार में घर गृहस्थी का सारा सामान दिया एवं श्री राम कथा आयोजन समिति कोई गरीब परिवार ना करे अपनी बेटी के विवाह की चिंता, गरीब परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। श्री राम कथा आयोजन समिति सारा शहर करेगा अपनी गरीब 59 बेटियों की विदाई। रक्षाबंधन पर अपनी सभी गरीब बहनों के साथ धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं इस पर्व को।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृपाराम कुशवाहा, ग्राम अगूरा से आए हैं। हमारी बच्ची की शादी कर रहे हैं राम जी, राम परिवार, राम कथा समिति। हम बहुत गरीब आदमी हैं, अगर जी शादी नहीं करते तो हम बहुत परेशान होते हैं। इनकी वजह से हमको बहुत मदद मिली है, इनको बहुत बार बार धन्यवाद। का नाम है तुम्हारा भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम सोनू विश्वकर्मा है और मैं लक्ष्मण तान में रहता हूँ, दतिया। और मेरे ना तो माता है ना पिता है, और मैं अपनी बहन की शादी करने में बहुत ही असमर्थ था, इसलिए मैं श्री राम कथा समिति आयोजन से मिला, फिर मेरी बहन की शादी हुई।